लैंड फॉर जॉब स्कैम में दिल्ली के राव रेवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राउडी देवी और उनकी दो बेटियां मीशा और हेमा होंगी पेश। उत्तराखंड के हल्द्वानी में अवैध मदरसे को गिराने से बवाल, हिंसा में 6 की मौत, SDM सहित कई पुलिसकर्मी घायल, शहर में लगाया गया कर्फ्यू। हल्द्वानी में हुए उपद्रव के बाद यूपी में हाई अलर्ट, जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस तैनात, सोशल मीडिया सेल भी हुई एक्टिव। इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय, कहा पॉक्सो और SC ST एक्ट को वसूली का आधार बनने से रोकें, कई मामलों में झूठी FIR कराई जाती है दर्ज। यूपी रोडवेज की 10 लग्जरी बसों से अयोध्या जाएंगे मंत्री और विधायक, 11 फरवरी को विधानसभा सदस्यों को भगवान राम के दर्शन कराने की UPSRTC ने की तैयारी। मौनी अमावस्या पर वाराणसी में गंगा के घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के डुबकी लगाने का अनुमान। रोजगार पर विधानसभा में सरकार ने दिया जवाब, कहा व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से 2023 और 24 में अब तक 66,000 युवाओं को मिला रोजगार। इंडियन आर्मी में अग्निवीर पदों पर निकली भर्तियां, उम्मीदवार 21 मार्च 2024 तक कर सकते हैं आवेदन। यूपी सरकार का रोडवेज कर्मियों को बड़ा तोहफा, DA में 10% की हुई बढ़ोतरी, प्रदेश के 12,000 नियमित रोडवेज कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने 1896 विभिन्न पदों पर निकाली भर्तियां, 13 फरवरी से आधिकारिक वेबसाइट पर कर सकते हैं आवेदन।